नमस्कार, मैं निमिष भंसाली स्वागत करता हूं आपका टैलेंटेड इंडिया न्यूज में और कार्यक्रम में वही आपका खबरों का पंचनामा। तो चलिए करते हैं आज की कुछ खबरों का पंचनामा। भाई बात जब इंडिया और पाकिस्तान की हो तो मैदान युद्ध का हो, क्रिकेट का हो या सोशल मीडिया का, गर्मा गर्मी तो हर जगह बनी रहती है और कोई किसी को जवाब देने में कसर नहीं छोड़ता। अब देखिए, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के समर्थकों ने हमारे वॉर हीरो अभिनंदन को लेकर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनके हाथ से टी कप को वो छीन रहे हैं वर्ल्ड कप समझकर। इससे एक बात तो समझ में आ गई कि जिनका काम चाय के कप से ही चल सकता है उनको वर्ल्ड कप की जरूरत ही क्या है। हालांकि हॉट एक्ट्रेस पूनम पांडे ने भी पाकिस्तान को कुछ भेजा है अपने स्टाइल में, आप भी देखिए। I saw this Pakistani ad yesterday on my WhatsApp where they're making fun of our war hero. Dear Pakistan, that is not cool. And this is my answer to your ad. Why settle for a teacup when you can actually have a D-cup, double D-cup. आप इसमें चाय भी। तो ये था पूनम पांडे का स्टाइल। खैर, हम चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर के पहले आपको थोड़ा सा ये बताते हैं। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तो मजा जीने का और भी आता है। जी हाँ, बस ऐसा ही कुछ मामला चलता रहा संघाई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच, क्योंकि कई मौके ऐसे आए जब दोनों प्रधानमंत्री एक दूसरे के आमने सामने आ गए। पर मजाले साहब, मोदी जी एक नजर तो देख लेते। सुनने में आया है कि जब इस बात पर इमरान खान ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शिकायत की तो नरेंद्र मोदी ने भी अपने चिरपरिचित अंदाज में कह दिया कि मित्रों, तुम मुझे देखोगे तो मैं तुम्हें देखूंगा और तुम मुझे नहीं देखोगे तो मुझे तुम्हें देखना चाहिए क्या? नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। तो मित्रों, मैं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं देखूंगा। खैर, अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। खुले पैसों की बड़ी समस्या रहती है तो क्या करते हैं आप, बैंक में जमा करवा दो। हाँ, अब आप कहोगे कि बैंक वाले भी जमा नहीं करते साहब। तो बैंक वालों की आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, वो तो बेचारे इसलिए जमा नहीं करते क्योंकि उनके पास शिरडी साईं संस्थान के 1.5 करोड़ के सिक्के पहले से ही जमा हो चुके हैं और अब उनके पास जगह ही नहीं है। जी हाँ, श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट के सीईओ दीपक मुगलीकर का यही कहना है कि अब अधिकारियों ने बैंक में जगह न होने का हवाला देकर सिक्का लेने से मना कर दिया है। इसके बाद दान पात्र में जमा सिक्कों की गिनती हमने भी शुक्रवार को बंद कर दी है। तो अब अगर आपके पास सिक्के बचे हैं तो वो बैंक में अगर जमा ना हो तो उसे किसी दान पात्र में मत डालिएगा क्योंकि वहां के पैसे भी अब जमा नहीं हो रहे। ठीक है, चले चलते अगली खबर की ओर। अगली खबर है छत्तीसगढ़ से। एक इन्वर्टर कंपनी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार की सेटिंग हो गई है और इसके लिए राज्य सरकार को पैसा दिया गया है। करार के मुताबिक घंटे दो घंटे में 10 से 15 मिनट के लिए लाइट कटौती होती रहेगी तो इन्वर्टर की बिक्री बढ़ेगी। नहीं नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वीडियो देखिए। मैं आज आपको ऐसी खबर देने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ सरकार की, आप शॉक हो जाएंगे। मेरा 3 दिन पहले मेरा माइक्रोटेक का इन्वर्टर खराब हो गया। मैंने कंपनी वाले को फ़ोन किया तो कंपनी वाले ने बोला भैया 2 से 3 दिन के अंदर आपके यहाँ घर पर आके बना के जाएगा। ऑन साइड वारंटी, वारंटी ख़त्म हो चुकी थी, उन्होंने बोले चार्ज लगेगा। बोला ठीक है, मैं चार्ज दूंगा। उसके बाद वो बंदा जो है सिर्फ राजनांदगांव तक आया और वो मुझे फ़ोन किया कि बोले आपको इन्वर्टर यहाँ लेके आना पड़ेगा। मैं बोला क्यों भाई, कंपनी वाले को फ़ोन किया तो घर पे आके बना के जाएगा। बोले नहीं, बोले हमारा रूल्स है, बोले हम
डीलर पॉइंट भी बनाएंगे। मैं बोला बेचते समय तो आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया था कि भाई हम डीलर पॉइंट तक आपको सर्विस देंगे, ये तो बहुत गलत बात है। मैंने उनको चमकाया, मैं बोला मैं वीडियो में डालता हूँ, वीडियो बना के, और कोई भी माइक्रोटेक का वीडियो, माइक्रोटेक का इन्वर्टर ना खरीदे। सबसे पहली बात यह है कि माइक्रोटेक कंपनी वाला मुझसे दादागिरी करने लग गया, बोले आपको जो करना है कर लो। भोपू सरकार से मेरी तो एग्रीमेंट हो गया, बोले कि लाइट कटौती होगी तो हमारा इन्वर्टर नया भी आप नया ले लो, बोले इन्वर्टर। मैं बोला जब लेना ही होगा तो तेरा क्यों लूँगा भैया, मैं दूसरी कंपनी का लूँगा। बोले आप किसी भी कंपनी के पास चले जाओ, बोले सारी कंपनियों वालों से सेटिंग हो गई, बोले भोपू सरकार की छत्तीसगढ़ में और एमपी सरकार में भी हो गई। बोले इन्वर्टर कंपनी वालों ने भोपू सरकार को पैसा दिया कि भैया आप हर दो घंटे एक घंटे 10 मिनट 15 मिनट में लाइट कटौती करते रहें ताकि हमारा इन्वर्टर बिकना चालू हो जाए। दोस्तों ये खबर एकदम सच्ची है, क्योंकि दिल्ली में इनकी बैठक हुई है सारे इन्वर्टर कंपनी वालों की, और इन्होंने भोपू सरकार को काफ़ी लंबा चौड़ा पैसा मुहैया कराया, क्योंकि ऐसे भी सरकार छत्तीसगढ़ सरकार तो कंगली हो चुकी है, कंगाल है, इनके पास पैसा नहीं है, 15 साल से शासन में नहीं थे, बाहर भिखारी की तरह घूम रहे थे, तो क्या करेंगे। इसलिए इन्होंने सेटिंग करके लाइट कटौती चालू कर दी तीनों स्टेट में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी में। अब ये एकदम अपवाद तो नहीं हो सकता कि एक संयोग हो सकता है कि तीनों स्टेट में एक साथ कटौती चालू हो जाए। पहले भी 15 साल रमन सरकार ने सरकार चलाया, तब तो कभी बारिश भी होती रहती, भारी बारिश होती रहती, चलो ठीक है आंधी तूफान आई, झाड़ गिर गया, पोल गिर गया, तार टूट गई, वो अलग मैटर है, लेकिन हर 10 मिनट थोड़ी सी हवा चली, हर 10 मिनट में लाइट बंद हो जाना, हर 10 मिनट में लाइट बंद हो जाना, ये कौन सा तरीका है। ये सब चाल है इनकी, पैसा कमाने का नया तरीका निकाला इन्होंने, बिल्कुल एकदम सही बात बता रहा भाई। अफवाहों का भी कोई दायरा होना चाहिए। अब ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, छत्तीसगढ़ सरकार और वहां की बिजली कंपनी ने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर कर। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। वो कहावत तो सुनी होगी ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। जी हाँ, लेकिन यहां गुठलियों के दाम नहीं मिलेंगे, लेकिन उसको आप बस संभाल कर रख लें, क्योंकि बिलासपुर में ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि कॉलेज और अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने आम के घटते पेड़ों पर चिंता जताते हुए एक अनूठी मुहिम शुरू की है। उन्होंने शहर भर के लोगों से यह कहा है कि आप आम तो जरूर खाएं पर गुठलियां फेंके नहीं, इसे आप अपने घर में सहेज कर रखें। वैज्ञानिक उनके घर आएंगे और कंटेनर लगाएंगे ताकि वो इसे सुरक्षित रख सके और इन गुठलियों से बाद में आम के पेड़ तैयार किए जा सके। तो अब वो दिन दूर नहीं है जब आप आम खाएंगे और कोई आवाज देगा, अरे जीजी, ओ जीजी, आम खा लिया क्या, और ऊपर से जीजी कहेगी नहीं भैया अभी खा रही हूं। जो भी हो, गुठलियां सहेज कर रखिए, क्योंकि यही बाद में आम के पेड़ बनेंगे। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जी हाँ, वहां रहने वाले एक हैवान इंजीनियर पति ने अपनी ही पत्नी को नदी में डुबोकर मार डाला। पत्नी का सिर्फ कसूर इतना था कि वो अपने पति के कहे अनुसार एक ढोंगी बाबा के साथ सेक्स नहीं कर रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय मानपाल सिंह पिछले कई दिनों से अपनी पत्नी पर बिहार निवासी तांत्रिक से अवैध संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। जब उसकी पत्नी ने इस बात का विरोध किया, जो कि करना ही चाहिए, तो उसने अपने पत्नी की हत्या कर दी। कारण क्या था कि पति को बहुत अमीर बनना था और ढोंगी बाबा ने यह झांसा दिया था कि अगर उसकी पत्नी उसके साथ सेक्स करेगी तो परिवार की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी और कर्ज भी माफ हो जाएगा। अरे बेवकूफों, अगर कोई ऐसे ही अमीर बन जाता और ऐसे ही कर्जे चुक जाते तो फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई काय के लिए करी थी। खैर, कैसा लगा आज का पंचनामा जरूर बताइएगा और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहता है, तो कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा हमें। जी हाँ, अब दीजिए इजाजत, धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।